कुछ काम नहीं करवाया, जीरो है ये। यहाँ के विधायक मोदे ने जो है ना ये कह रहे हैं 4 करोड़ 62 लाख करोड़ का काम किया है, मैं कहता हूँ उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अशोक जी गहलोत ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया, अभी तक एक बार बजट में लूणगंज का नाम नहीं लिया गया। 10 बार में जितना काम नहीं कराया है उतना 5 बार में काम ज्यादा हुआ है। आज गरीब आदमी बिगड़ दुआई मर जाता गरीब आदमी, आज 25,000 रुपए गरीब का मिला। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में विधानसभा, जो कि हम लेकर आ चुके हैं लून करंसर विधानसभा सीट। मैं तृप्ति, मैं लक्ष्मण राघव। लून करंसर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां पर सैनिकों का युद्धाभ्यास होता है, ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां के किसान मूंगफली उपजाते हैं। साथ ही साथ ये जाना जाता है इस बात के लिए भी कि यहाँ से भीमसेन चौधरी, माणिकचंद सुराना जैसे नेता विधानसभा पहुँचते हैं। अब तक 16 चुनाव हुए, 14 आम चुनाव और 2 उपचुनाव, इसमें 9 बार कांग्रेस जीती है। लेकिन ये बात दिगर है कि यहाँ पर नेता की नीति और नियत पार्टियों से ज्यादा मायने रखती है। कई बार चौंकाया है लूनकणसर की जनता ने जब चुनाव हुए हैं। तृप्ति, शुरू करते हैं सफर और सबसे पहले बात करते हैं आप भाजपा से। बिल्कुल, तो पिछली बार यहाँ पर भाजपा ने जो है वो जीत हासिल की थी, इस बार जनता का क्या मूड है, जनता किस पर भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि जो हमारा कारवा है वो लगातार विधानसभा क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और वो इसी सोच के साथ, इसी मुद्दे के साथ, इसी उद्देश्य के साथ बढ़ रहा है कि वो वहां के मुद्दों को, विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाएंगे, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे, ताकि जनता ये डिसाइड कर पाए कि आगे किस ओर जाना है। दोनों पार्टी, तीनों पार्टी यहाँ पर मौजूद है, आम जनता यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर भाजपा पिछली बार जीती थी, इस बार भाजपा का क्या कुछ मूड है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी है, क्या कुछ समीकरण यहाँ का रहने वाला है वो जानते हैं। तो अगर आपसे जानना चाहे तो इस बार भाजपा की क्या कुछ रणनीति, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली है। सबसे पहले तो मैं लक्ष्मण राघव जी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा, आप यहाँ पे पधारे, हमारी विधानसभा में आपका स्वागत है। निश्चित रूप से 4.5 साल के इन कार्यकाल में यहाँ के बीजेपी के जो विधायक है सुमित जी, उन्होंने 4.5 साल में यहाँ भरपूर विकास के कार्य करवाए हैं। लूणगंसर की बात करें तो 4.91 करोड़ के काम हो गए हैं। भाजपा का ये कहना है भाई, बहुत कॉन्फिडेंट है कि 4.5 साल में बहुत काम हुआ। जरा पूछे क्या कुछ लूप, मुझे लगता है नाली सड़कें बनती रहती हैं। सवाल ये है कि जो लूणगंसर की ऐसी समस्याएं थी उन पर कितना काम हुआ, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा रही है, 9 बार रही है यहाँ पर, तो दायित्व उतना ही आपका रहा। क्या लगता है जो मुद्दे हैं वो हल हुए हैं भाजपा के, क्या लगता है कुछ काम हुए हैं लूणगंसर विधानसभा क्षेत्र में 4.5 साल के कार्यकाल में? शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया गया। विधायक के लोग कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ, आप सहमत हैं? नहीं हुए बिल्कुल सर, नहीं हुए काम, बिल्कुल नहीं हुए। एमएलए क्या क्या काम करवाएंगे? उन्होंने कांग्रेस के राज में जो काम किए गए थे उस काम को निरस्त किया गया था। मैं उस समय में पंचायत समिति का, से कोई गिना सकते हैं हम सवाल? हाँ बिल्कुल बताता हूँ, मैं उस समय पंचायत समिति का प्रधान था। उस समय हमारे माननीय पूर्व मंत्री वीरेंद्र जी बेनीवाल ने यहाँ पर 5 करोड़ स्वीकृत करवाई थी। तृप्ति, वही बात है, दावे इनके भी हैं, उनके भी, आप जरा पूछ लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि हमारे काम रुकवा दिए गए, तो देखते हैं भाजपा के नेता क्या कहते हैं, उसके बाद हम मुद्दों पर आएंगे। पर प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। यहाँ पर भाजपा का कहना है कि भाई काम हुए हैं, कांग्रेस घेर रही है कि काम नहीं हुए। चलिए मैं दोनों की बातें कर लेती हूँ, काम गिनवाइए, कौन से काम हुए हैं, उन्हीं कामों पर पूछा जाएगा कि काम क्यों नहीं हुआ या लूपहोल्स क्या रहे, कौन से काम यहाँ पर भाजपा द्वारा किए गए। यहाँ पर भाजपा के द्वारा जो ईस्ट भगत सिंह स्टेडियम है वहाँ पर आज तक लूणकणसर में कोई भी स्टेडियम का कार्यक्रम नहीं, काम नहीं हुआ है। और सबसे पहले बच्चों के लिए बेल्ट की यदि सर्विस है तो उसके लिए दौड़ने के लिए पहली बार विधायक जी ट्रैक बना रहे हैं और वो भगत सिंह स्टेडियम में 62 लाख का कार्य शुरू चल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं सवाल लेता हूँ आपसे, ये जो गिनवा रहे हैं विधायक के लोग, ये कह रहे हैं कि हम जो काम करवा रहे हैं ठीक है, विधायक कोटे से करवा रहे होंगे, सरकार आप लोगों की है, क्या लगता है ये जो काम हुए हैं इस पर क्या जनता मन बनाएगी, या फिर जो महंगाई रात का आप लोग कहते हो, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस में बड़ा बंटवारा दिख रहा है मुझे। राजस्थान में जो सरकार इस वक्त चल रही है, 5 साल पहले जो सरकार आई उस वक्त 250 कॉलेज थे, 250 नई कॉलेज राजस्थान में इस सरकार ने खोली। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो काम किया है वो शिक्षा में अभूतपूर्व काम है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य का अधिकार दिया है, यह अभूतपूर्व काम है। और विधायक जिन कामों का कह रहे हैं, केंद्र की सरकार एक कानून लाई थी किसानों के खिलाफ, 3 कानूनों पर, और पूरे प्रदेश में किसानों पर, पूरे देश में किसान जो है वो आतुर था। ऐसा कोई काम लोकल विधायक के खाते में नहीं है जिस पर वो ये कह सके कि उन्होंने बेहतर काम किया। और जिस बंटवारे की आप बात कर रहे हैं,
किसानों के लिए लड़ने की बात से लेकर कांग्रेस वो पार्टी है जो राहुल गांधी के विचार को लेकर जो मुल्क में लोगों को जोड़ने की जाति धर्म की राजनीति पर नफरत की राजनीति को मोहब्बत और भाईचारे की राजनीति से जवाब देने की बात में विश्वास रखती है। बड़ी पार्टी है, अपने अपने विचार हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी बात कहने का हक है। टिकट की टिकटिक है हो सकता है, लेकिन एक सवाल मैं कांग्रेस से पूछ लेता हूँ। चूंकि पिछली बार चुनाव आपके पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने लड़ा था, ट्रोमा नहीं आता है, नगरपालिका नहीं बनती है, और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते हैं, जबकि हम देखते हैं पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र में बहुत काम हो रहे हैं, तो क्या कहीं कमजोरी रह गई क्या वकालत में, या हार का दंश झेलना पड़ा है? कमजोरी नहीं रही साहब, क्या है कि ये नरेगा पहले शहरों में थी नहीं, तो यहाँ क्या है गरीब तबका ज्यादा है, इसलिए नगर पालिका नहीं बनाई गई। अब उस पर विचार चल रहा है, तभी मौका मिलेगा, नगर पालिका लून कमीशन बनाई जाएगी जाएगी। तो तृप्ति देखिए, कुछ मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं हुआ, जैसे ट्रोमा की बात की, नगरपालिका की बात की, लेकिन अफसोस है, आप पूछिए जरा भाजपा से, सुई ब्रांच को लेकर बहुत सारे घोषणा हुई थी, उस वक्त शायद वसुंधरा राजे की सरकार रही होगी, पूछिए आप इन नेताओं से, इन्होंने विपक्ष का धर्म निभाया क्या, क्या कोई एजिटेशन हुआ क्या, क्या कोई आंदोलन हुआ क्या? इनसे वो बात करना भी जरूरी है कि यहाँ पर कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैंने अब तक जिन लोगों से बात की है सटीक जवाब नहीं मिला, कितना कुछ काम यहाँ पर हुआ, सटीक बताइए कितना कुछ काम हुआ, और सामने वाली पार्टी सामने खड़ी है लगातार घेरेगी, तो जरा बताइए कौन से काम यहाँ पर हुआ। ऐसा है, 1952 से लेके आज तक 15 विधानसभा के चुनाव हुए, 10 चुनाव में कांग्रेस जीती है और 5 चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ जीती है। उन्होंने 10 बार में जितना काम नहीं कराया है उतना 5 बार में, जो जनता पार्टी के टाइम मानते सुना चाहे रहे मंदिराम जी, चाहे सियाग साहब रहे, चाहे हमारे सुमित जी गोदर, उनके काम समय में काम ज्यादा हुआ है। अब बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है कि भाई रुकिए रुकिए वापस आओ, जवाब लेते हैं, इसका जवाब लेते हैं, कोई जवाब है आपके पास, कोई जवाब है? ये कह रहे बिल्कुल, आप कॉपी के दो पन्ने ले लीजिए, एक पर इन बता रहे हैं महोदय, वो आंकड़ा लिख लीजिए, एक तरफ वीरेंद्र बेनीवाल के कार्यकाल का लिख लीजिए, कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ हुआ, कॉलेज यहाँ हुई, वाचनालय यहाँ हुआ, अनगिनत इंग्लिश मीडियम हुई, सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्राम पंचायत है लूण कंसर में, जिन बातों की यहाँ पर की जा रही है लगातार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भाजपा के द्वारा काम हुआ, लेकिन सामने पार्टी कह रही है कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में जितने विकास के कार्य लूण कंसर में हुए हैं उतने शायद ही लूण कंसर में कभी हुए होंगे। यहाँ पर दोनों ही लोग मौजूद है, लेकिन इसके अलावा भी लोग मौजूद है जो यहाँ की असलियत बताएंगे, कितने दावों में दम रहा है, कितने जो सियासी मुद्दे हैं उनमें धार रही है। अगर आपसे जाना चाहूँ तो दोनों पार्टी का आरोप है कि भाई हमने काम किया हमने नहीं किया, तो आप बताइए क्या कुछ यहाँ पर काम हुआ है? मैडम, दोनों पार्टियों ने यहाँ पे जनता के साथ सिर्फ सलावा करा है। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? विकास की कोई बात नहीं कर रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, जो 5 बजट जारी हुआ है लूण कंसर में, अगर लूण कंसर का लूई भी अगर नजर किसी को आ रहा है तो वो बता दे। लक्ष्मण जी, बहुत बड़ी बात जो यहाँ पर की गई है वो यही है कि दोनों पार्टियां यहाँ मौजूद हैं, चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, राजनीतिक दावों पर लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ के विकास की बात किसी ने भी आगे नहीं रखी, तो इसका जवाब जरा कांग्रेस से पूछिए। कांग्रेस से लेते हैं, एक सवाल मैं ले लेता हूँ कि मुद्दों की बात, आप बड़ी डायरी कॉपी लेकर आए हुए लग रहे हैं मुझे, मुद्दे कुछ समझ में आ रहे हैं जिस पे कांग्रेस के सामने आप इस बार जाएंगे? लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र में आज बात करते हैं स्कूलों की, सेकेंडरी की, महात्मा गांधी की, आप इनसे पूछिए कि एक स्कूल के लिए सामने खड़े माननीय विधायक को स्कूल एक कोटे मिलता था। वसुंधरा जी के राज में भाजपा ने नीति बनाई कि प्रत्येक पंचायत में स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल हो। वसुंधरा जी तो ये भी तो कह गई कि आजकल आपके विधायक हमें दिखते नहीं है। देखिए, दूसरी बात, स्कूलों की नीति बनाई उन्होंने, आज प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात कीजिए, आप कैसी बात कीजिए? यहाँ पे वसुंधरा नगर पालिका घोषित करके गई थी, कांग्रेस के राज आने के बाद में इसको निष्कासित कर दिया गया है। आप कांग्रेस से लीजिए ये सवाल और उन नेताओं से पूछिएगा जो कांग्रेस के लोग हैं, एक तो नगरपालिका एक मुद्दा नजर आता है यहाँ पर, और भाजपा बार बार ये कह रही है कि बड़े काम नहीं हुए, जो काम हुए विधायक कोटे से थोड़े बहुत हुए, तो ये सवाल बड़े काम को भी जानेंगे कि कौन से ऐसे काम है जिसको लगातार भाजपा बोल रही है कि वो काम नहीं हुआ, लेकिन पहले वो जान लेता है जो यहाँ पर कांग्रेस की ओर से किए गए, चलो वो काम बताइए कि जो कांग्रेस की ओर से यहाँ पर किया गया और जनता राहत में हो। मैडम, जनता राहत के लिए कांग्रेस के इतने काम हुए हैं, जैसे कॉलेज एजुकेशन के लिए, यहाँ जो अपने सेटेलाइट हमारे हॉस्पिटल है उसमें ब्लड बैंक की व्यवस्था, पहला राजस्थान का पहला CHC पे ICU करवाने का काम वीरेंद्र जी बेनीवाल ने किया था, यहाँ ब्लड बैंक की व्यवस्था की थी उन्होंने, उसके साथ साथ सोनोग्राफी मशीन भी की। चिकित्सा को क्षेत्र में लेकर तो आपने सही बोला, लेकिन यहाँ पर एक आरोप यहाँ पर लगातार घेर रहा है कांग्रेस को कि जिन स्कूलों की बात आप कर रहे हैं, जिन क्रमोन्नत स्कूलों की बात की जा रही है, वो स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, वो स्कूलों की हालत सही नहीं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? महात्मा गांधी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है, शिक्षा का लेवल बढ़ा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिन योजनाओं के
बल पर कांग्रेस आगे बढ़ी है, वो योजनाएं यहाँ पर बहुत सही है। देखिए तृप्ति, सियासी गर्मी और पसीना टप टप हो रहा है और पीछे जो है कुछ युवा उत्साही साथी मुझे नजर आते हैं जो आरएलपी के भी और यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े प्रभुदयाल सारस्वत के भी समर्थक हैं। तो हम उनसे पूछ लेते हैं आरएलपी के भाई जो नारेबाजी कर रहे थे, आप बोल रहे थे क्या समस्या, किसानों के लिए काम हुआ क्या? देखिए 50 वर्ष से कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, लूण कैंसर के अंदर कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है, ना ट्रोमा सेंटर है, ना यहाँ एडीएम ऑफिस है और ना ही कोई सड़कें हैं, ना नगर पालिका है। और एक और यहाँ पर प्रभुदयाल सारस्वत के भी समर्थक है, चूंकि निर्दलीय चुनाव लड़ा उन लोगों ने, तो क्या लगता है भाई वोट तो ठीक लगे लेकिन जीत तो नहीं मिलती ना, इसलिए आपको नहीं लगता कि ये नुकसान ही पहुंचा देता है? देखिए सर राघव जी, यहाँ की परंपरा रही है लूण कैंसर की, एक बार हराना दूसरी बार जिताना। जनता ने पिछली बार बड़ा अपार समर्थन दिया है प्रभु जी को और अब आने वाले प्रभु जी ने किया क्या, कोई मुद्दे उठाए ऐसे? प्रभु जी बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, प्रभु पानी के, ट्रॉमा सेंटर के, बहुत सारे मुद्दे उठाए। 5 सालों के अंदर जितने मुद्दे उठाए सिर्फ प्रभु जी ने उठाए हैं, ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भाजपा कांग्रेस के अलावा जो चुनाव लड़ चुके हैं या लड़ने की कोशिश में हैं, उनके भी ये कहना है कि दोनों ही दल मुद्दों पर मुखर नहीं है। खैर उनका पार्टी में ये चलता है लेकिन मुझे लगता है जो बड़े इश्यूज यहाँ पर हैं, एक तो ये है कि भाजपा विपक्ष का धर्म कितना निभा पाई इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, दूसरा ये कांग्रेस के जो चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी हैं वो काम कितना करा पाए, नगरपालिका और ट्रोमा यहाँ की बड़ी मांग है। तो मुझे लगता है भाजपा से आप सवाल लीजिए फिर इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जिन वादों को लेकर यहाँ पे सरकार की बात की जा रही है वो वादों में कितनी सच्चाई है? कुछ भी सच्चाई नहीं है मैडम। इनको पूछो कि राजस्थान कांग्रेस सरकार के 4 बजट हो गए हैं, अभी तक एक बार बजट में लूणगंज का नाम नहीं लिया गया। और ये कह रहे हैं ना कि ये महाविद्यालय ये 2 कॉलेज में खोल के 2 कमरों में खोल के गए थे, और जब भाजपा की सरकार आई थी वसुंधरा राजे आई तो 3 करोड़ मंजूर करके लूणगंज का नाम नहीं लिया गया। तथ्य है, ऐसी बातों पर जनता के मसले पर एक मुस्कुराहट बता रही है कि वो भाई सही बोल रहे हैं। जरा और पूछिए आप, और जो बात यहाँ पर की जा रही है कि इतने सारे बजट में यहाँ पर लूण कैंसर का नाम भी नहीं लिया गया, क्या इसमें सच्चाई है? मैडम लूण कैंसर को इस सत्र में ही कॉलेज मिला है, कन्या विद्यालय नापासर कन्या महाविद्यालय मिला है। यहाँ पर जो लोग भाजपा के मौजूद है उनसे भी जान लेते हैं, और कौन से ऐसे काम है जो यहाँ पर होने चाहिए थे पर नहीं हुए? कोई सही काम नहीं हुआ, सरकार ने ट्रोमा सेंटर किया तो वो भी नहीं हुआ, केवल प्रभुदयाल जी सारस्वत है, उन्होंने 5 साल के अंदर मुद्दे उठाए हैं, जितने उठाने से मुद्दे उठाए, पानी का उठाया है, लाइट का उठाया है। तो मुद्दा उठाना तो ठीक है, काम हुआ कुछ? हुआ, क्या काम हुआ? पानी वानी सब ठीक है, जल भरा, कोई दिक्कत नहीं होती मानसून में? मानसून में तो आती है लेकिन करवाए उनके हिसाब से, वो कोई चुनाव जीते हुए थोड़ी है की बात करते नजर आते हैं। यहाँ पर राजनीति की मुद्दे ज्यादा है ना कि जनता को जो राहत दे उन मुद्दों पर लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब हमने बजट की बात की तो बजट को लेकर भी थोड़ा मिला जुला सा जवाब आया। मुझे लगता है तृप्ति जो आप कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस में भी गुट है और भाजपा में भी गुट है और एक दूसरे पर मुस्कुराते हैं, साथ खड़े कम नजर आते हैं, ये यहाँ पर कांग्रेस के साथ भी है और भाजपा के साथ भी है। क्या समस्या आपकी? समस्या ये पार्टी दोनों में बहुत अच्छे हैं, वोट लेके चले जाते हैं, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। किस तरह की व्यवस्था? यही है, सरकार मंडी के अंदर तोल रही है, 25 क्विंटल सरसों तोल रही है, ये 25 क्विंटल मूंगफली तोल रही थी तो खाजवाड़ा ले जाके तोला रही है, तो ये कोई के सरकार है? यो रस्ते सवाल लेगी तृप्ति, इनका कहना है मूंगफली दिया, ये सवाल ले रहे हैं कांग्रेस से, सवाल कर रहे हैं तृप्ति? बिल्कुल ये सवाल जरूर है, बिल्कुल जो बात यहाँ पर लगातार दावों की कर रहे हैं कि भाई इतना कुछ किया, आम आदमी है जो सब कुछ जानता है, आम जनता बोल रही है कि यहाँ पर कोई विकास नहीं है, किसी तरह का कोई मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ तक मंडी तक में नहीं है, क्या बोलेंगे बताइए? मैडम 2 करोड़ का हमारे नहर का काम हुआ, क्या उसने कर रहा है सरकार करना है? गलत कर रहा है, आज गरीब आदमी मर जाता गरीब आदमी, आज 25,000 रुपए गरीब को मिला, रोड पर भूखे मर जाते आदमी, कांग्रेस सरकार की देन है। और हमारे इंग्लिश मीडिया बनाई कांग्रेस सरकार ने गरीबों का देखिए, जब मुद्दों की बात होती है तो मोदी आ जाते हैं, जब मुद्दों की बात, आप जवाब दीजिए ना, आप मोदी को ले आते हैं, मुद्दों पे बात कर रहे हो आप जवाब दीजिए, आप मोदी को ले आते हैं, मुद्दों पर बात होती है तो आप मोदी को ले आते। साहब हमने पिछले चुनाव में 2018 में सुमित को इस आस से जिताया था, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीता, लेकिन कुछ काम नहीं करवाया, जीरो भाजपा से, हाँ हम भाजपा से जीरो है ये। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तृप्ति जो मैं कह रहा था आपसे, दरअसल यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है, जो सच्चाई है ना वो सामने अपना बाजे उनके मुंह से आ गई, सच्चाई उनसे मुंह आ गई, जीरो है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सच्चाई को सांझ को आज क्या सच्चाई अपने आप चेहरे पर आ रही है? वो कहते हैं ना कि सच्चाई
सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, लेकिन मुझे लगता है यहाँ दोनों तरफ से वही कोशिश हो रही है तृप्ति। लेकिन यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। गर्मी बढ़ रही है उसी तरीके का यहाँ पर भी सियासी तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर किसी राजनेता की बात ना करते हुए बात करेंगे उन मुद्दों की जिन पर यहाँ पर जनता को राहत नहीं मिली। जनता तरह से क्या कहेंगे आप लोग, किस बात को लेकर दिक्कत में? यहाँ हर चीज की दिक्कत ही है, चाहे हॉस्पिटल में चले जाओ डॉक्टर नहीं मिलेंगे, स्कूलों में जाओ बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, और कहीं भी जाओगे सड़कें नहीं बनी हुई है। हर आपसे जानना चाहे तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कौन सी दिक्कत है यहाँ पर, कौन सा काम नहीं? हॉस्पिटल में कोई समस्या खातर जाओ। निरंजीवी योजना है क्या, उसका लाभ नहीं मिल रहा? ठीक है, मिला लाभ लो। अब चलो, ये क्या कह रहे थे आप? कह रहे हैं कि यहाँ के प्रतिनिधि बिल्कुल सुनाई करते ही नहीं है, यहाँ की हालत ये है। सुमित जी गोदर अभी तक यहाँ आके जनता को समेटा नहीं है। यहाँ लूणगंज सर के अंदर दोनों पार्टियों के जो यहाँ पर बात लगातार की जा रही थी वो ये है कि जो यहाँ के विधायक है उनका लोगों से जुड़ाव ही नहीं है बिल्कुल। ये सवाल हम लेते हैं, आप जनता का कोई विपक्ष नहीं खेल रहा है, ये महत्वपूर्ण सवाल है और बनता है। और देखिए भैया, हम पेपर लीक की भी बात करेंगे, और मोदी जी आप बोलना जिंदाबाद प्रधानमंत्री है देश के, लेकिन जो आप पर आरोप लगे उनका जवाब भी तो ले लेना, और ये आरोप जनता लगा रही है। तो इसीलिए मेरा सवाल है, पीछे से आरोप आया है कि विधायक जो है निष्क्रिय रहे। अब आप बताइएगा उनका जो आरोप है। लक्ष्मण जी मेरा जवाब है, 5-10 लोगों के कहने से निष्क्रिय नहीं होता कोई। अपना क्षेत्र अपना परिवार अभियान के तहत विधायक जी पिछले 3 साल से प्रत्येक विधानसभा गांव के प्रत्येक घर में जाते हैं, दलित पीड़ित उनकी समस्या सुनते हैं। 30,000 आपके द्वारा ये कवरेज थी कि 30,000 लोगों के नंबर। लक्ष्मण जी ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मैं आपको गिना रहा हूँ, सोड वाली के बच्चे और मलकी सर के बच्चे पैदल गए बीकानेर। क्यों गए? तृप्ति इनका कहना ये है कि विधायक ने तो एक अभियान चला रखा है, अपना क्षेत्र अपना परिवार, तो अब जरा पूछ लीजिए कांग्रेस के नेताओं से भी। पहले सर इन्हीं से पूछ रहे थे क्योंकि आरोप कहीं ना कहीं इन पर भी है। जिन चिकित्सा क्षेत्रों की बात करें, जिन चिकित्सा सुविधाओं की बात करें, स्कूलों की बात करें, उस पर तो कांग्रेस ने भी योजनाएं चलाई। निश्चित तौर पर सवाल बनता है, योजनाओं का क्या हाल है, क्या हाल है आपकी योजनाओं का, जो आम जनता कह रही है यहाँ पर ना चिकित्सा में अच्छा है ना शिक्षा में अच्छा है। मैं भारतीय जनता पार्टी या कोई भी ऐसे व्यक्ति को जो राजस्थान में रहता है उसे कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने जो काम स्वास्थ्य में अधिकार देकर किया है पूरे देश में, क्या कोई इसको नकार सकता है? लूणकरण सर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हालत है? राजस्थान में शामिल है, मैं फर्स्ट इंडिया के पत्रकारों से निवेदन कर रहा हूँ, जनता से भी कह रहा हूँ, चिरंजीवी योजना में जिस प्रकार का 25 लाख का सरकार इलाज दे रही है, ये काम पूरे राजस्थान पत्रकारों से आप कह रहे हैं, लेकिन आपकी आम जनता ही कह रही है कि आप अस्पतालों में कोई है ही नहीं। अगर अस्पतालों में कुछ काम में कमी रही है तो जिस तरीके से कोई एंटी एनकमसी कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, और सरकार क्या कहना चाहेंगे आप? ये कह रहा हूँ कि यहाँ के विधायक मोदी ने जो है ना ये कह रहे हैं 4,62,000 करोड़ का काम किया है, मैं कहता हूँ उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपको, बड़ा आरोप मैं रिटर्न में दे रहा हूँ। क्या रिटर्न में? ये इन्होंने बेरोजगार एक जो एजेंसी बनाई है इसको काम दे रहे हैं सारा अपने जो है। क्या चाहते हैं आपको काम? नहीं नहीं, मेरे को क्यों मिले? पंचायत समिति से कराए, ग्राम पंचायत से कराए, कारखानी पीडब्ल्यूडी से कराए ना, कि ये बेरोजगार अपने घर का गोदारा जी को इन्होंने दे रखी है। ये बड़ा बड़ा आरोप है, बड़ा आरोप है, हम जवाब लेंगे, हमने क्रॉस किया है, हम पूछेंगे, हमने उनको भी क्रॉस किया है। आप झगड़ा मत करिए, हमने उनको भी क्रॉस किया है। आप जवाब दीजिए ना, मंच है, सुनने वाले लोग हैं, जवाब दीजिए, आपसे भी आएंगे। वो आरोप लगा रहे हैं कि एक एजेंसी बनाकर काम दे रहे हैं, क्या जवाब? ये जो दिखा रहे हैं ना, ये सिर्फ विधायक अनुशंसा करता है, सिर्फ टेंडर करना गवर्नमेंट का काम है, जो राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट है। हो रहा है ई टेंडर से काम हो रहा है, विधायक के पंचायत समिति एजेंसी है, सरकार किसकी है? यहाँ का वीडियो तथाकथित नेताओं के नाम पर चलता है। देखिए तृप्ति, मुझे लगता है यहाँ जो मुद्दों से ज्यादा आपसी जो खींचतान रार है वो बड़ी है। सबसे बड़ी बात है विधायक पर भी आरोप लग रहे हैं, विधायक के लोग कह रहे हैं कि अभियान चला रहे हैं, कांग्रेस के लोग जब उनसे सवाल करते हैं काम नहीं हो रहे मुस्कुरा भर रह जाते हैं, स्टैंड नहीं लेते। आप जो कह रही हैं सटीक जवाब हम चाहते हैं वो नहीं मिल रहा ना, तो आप जनता कह रही है कि यहाँ पर जो लाभ की बात करते हैं, जिन योजनाओं की और दावों की बात करते हैं, वो दावे कहीं ना कहीं खोखले भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ जो गुटबाजी है, जो आपने सही का एक मुस्कान नजर आ रही है, जिसकी वजह से उनके जो जवाब है वो सटीक नहीं है। तो यहाँ पर जानना जनता से ज्यादा जरूरी है। और बिल्कुल बिल्कुल, आप सवाल लीजिए, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो यहाँ पर कितना कुछ काम है जो नहीं
नहीं हुआ जो होना चाहिए था, जनता क्या कहेगी? मैडम दोनों ही पार्टियों एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं, किसी पार्टी ने 50 साल के अंदर कोई काम नहीं किया, दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर प्रत्यारोप क्या कहेंगे? दोनों पार्टियों जनता का पेड़ी है, नगर पालिका मेन मुद्दा है लोन कैंसर के लिए। लोन कैंसर में अगर मेन मुद्दा जाना चाहे तो वो ट्रॉमा सेंटर नगर पालिका, यही शो की शुरुआत से हम सुनते आ रहे हैं और यही वो मुद्दा है जो यहाँ पर नहीं हुआ है। तो इनसे जरा जल्दी में एक एक सवाल लेते हैं और फिर शो को विराम देते हैं क्योंकि आगे के कारवा को बढ़ाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक सवाल ये बनता है कि भैया तुम लोगों ने सुई ब्रांच की बात हो, एटा सिंगरासर माइनर वाले मामला हो, भाजपा ने कोई आंदोलन किया क्या? कांग्रेस ने आंदोलन करने के बाद में अपने 5 साल के कार्यकाल में उस पर कुछ अमल किया है क्या, ये बताइए? ये आंदोलनजीवी लोग हैं, आंदोलन इन्होंने किया लेकिन आज इनकी 5 साल सरकार पूरी है, 4 साल नगर पालिका जो मुद्दा है वो शुरुआती से ही चला आ रहा है, तो क्या कहेंगे? नगर पालिका सेंक्शन हो गई थी लेकिन कहा है? पहले नरेगा के तहत ये ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा कमजोर तबके के लोग रहते हैं, अगर नगर पालिका हो जाती तो गरीब लोगों का रोजगार का साधन एक नरेगा माध्यम था, इसलिए उस नरेगा को रोजगार देने के लिए उसको नगर पालिका को निर्दिष्ट किया गया। अब ये है कि ग्राम पंचायत में जरूरत है नगर पालिका की और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। तो यहाँ पर दावा किया जा रहा है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, नगर पालिका के लिए भी बोलेगी लेकिन आम जनता के जो मुद्दे हैं जिससे वो राहत में नहीं है उन मुद्दों का जवाब कौन देगा? क्योंकि यहाँ पर जो राजनीति वाले जवाब आ रहे हैं उनसे तो जनता राहत में आने नहीं है। तृप्ति जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं, पीछे जरा चलते हैं, उन लोगों के मुद्दे क्या हैं, युवाओं के मुद्दे क्या हैं, क्या उनकी बात है, युवाओं के मुद्दों की बात कर लेते हैं। थर्ड फ्रंट की बड़ी बात हो रही है लेकिन भाई इंडिपेंडेंट के साथ क्यों जाएगी जनता? या तो आरएलपी भी है एक विकल्प, क्यों जाए इंडिपेंडेंट के साथ? क्या ऐसा किया आप लोगों ने? यहाँ जो प्रभु दयाल सारस्वत है निर्दलीय के साथ इसलिए जा रहे हैं कि वो हमारे लोकल के उम्मीदवार है। पूछो कि पूर्व मंत्री जी या विधायक जी ने एसडीएम ऑफिस के आगे चोरी हुई है, एसडीएम ऑफिस के आगे चोरी हुई है, ये प्रभु दयाल जी कांग्रेस के पास बचत कुछ नहीं है, हमारे स्थानीय नेता हमारा। तृप्ति मुझे लगता है मुद्दे मुखर है, चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं नगर पालिका, ड्रेनेज, इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर और घोषणाएं नहीं होना, ये बड़ा सवाल है। मुझे लगता है आखिरी प्रतिक्रिया आप लीजिए और एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ होते हैं यहाँ पर, क्योंकि सारे ही हमने जानने का प्रयास किया यहाँ पर, ना तो जवाब उतने सटीक मिले लेकिन कैसे थे? जिस बजट की बात हम कर रहे थे, जिस घोषणाओं की बात कांग्रेस लगातार करती है, कहाँ है वो ट्रॉमा सेंटर, कहाँ है नगर पालिका जनता को राहत देने वाली? मुझे नहीं लगता कि पार्टी दोनों में से किसी ने भी जवाब दिया कि जनता राहत में क्यों नहीं है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर चुनाव यहाँ पर लड़ा जाता है लेकिन मूलभूत सुविधाएं ही नहीं हो तो आखिर जनता चुनाव में जिताएगी किसे? बहुत बड़ी तस्वीर होने वाली है, बहुत दिलचस्प तस्वीर, लेकिन उसके लिए अभी फिलहाल इस कार्यक्रम को जो है वो यही विराम देंगे। देखिए तृप्ति मुझे लगता है नीति और नियत पर चुनाव तो होना ही है, दोनों दलों के प्रत्याशी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर वही है कि आपस में रार है, बटी हुई पार्टियां हैं, विकास के मुद्दों के बीच क्या ये दल के नेता अपनी पार्टी के मुद्दों को जनता के बीच ले जाने में सफल होंगे? इसका जवाब जनता जनार्दन देगी। तब तक के लिए अगले शो के लिए हम लेते हैं विदा। मैं लक्ष्मण राघव, मैं तृप्ति, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।